श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली 43 चर्चाओं में हम लोगों ने देखा श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और ध्यान, जिसका पाठ हम लोग प्रत्येक सप्ताह करते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से किस प्रकार से हमारी दैनिक जीवन के समस्याओं को समाधान करने में हमें सहायता मिलती है और किस प्रकार से शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की ओर भी हमें अग्रसर कराती है, जीवन का खेल किस प्रकार से हम खेल सकें और अमृतत्व की ओर किस प्रकार से जा सकें, ये दोनों चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता से हमें मिलता है, जानने को मिलता है, ये सब हमने कहा था। और प्रथम अध्याय की चर्चा हमने की अर्जुन विषाद योग की और किस प्रकार से अर्जुन विषाद से आवृत हो जाता है, पर वह विषाद भी उसके लिए श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन जाता है और उसके लिए आध्यात्मिक साधना का संबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान का चयन किया था। और फिर हमने द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में देखा किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान एक कुशल मनोचिकित्सक के रूप में, मानो एक मनोचिकित्सक के रूप में अर्जुन के इस विषाद रोग का निदान करते हैं। उस न्यूरोसिस का जो शिकार हो गया है उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं और इस प्रकार से उसके रोग का, मनोरोग की चिकित्सा करते हैं। पहले तो उसे बताते हैं कि इस प्रकार का रोग उसे है और फिर अर्जुन स्वीकार करता है कि मैं इस प्रकार के रोग से आवृत हो गया, शिष्यस्ते हम साधिवाम काम प्रपन्नम। और फिर श्री कृष्ण भगवान उसे पहले तो ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, देखा कि उससे भी उसके मन में उसकी कोई धारणा नहीं हो पाती है, आत्मतत्व का निरूपण करते हैं, वे सीधा ही उसे ज्ञान योग के माध्यम से आत्मतत्व की ओर ले जाना चाहते हैं, परम ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं, पर देखा अर्जुन उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए कर्मयोग का फिर वे उसको उपदेश देते हैं। और जहाँ समत्व बुद्धि की बात आई तो समत्व बुद्धि से क्या लाभ होगा यह पूछा गया कि इस प्रकार से कर्म करने से क्या लाभ होगा, तो अनामय पद की बात कही श्री कृष्ण भगवान ने, वो अनामय पद प्राप्त होगा कि जहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं है, शाश्वत शांति और शाश्वत सुख का वह पद होगा, इस पद के लिए ही इस प्रकार का समत्व कार्य। तो यह जो बिना फल की आकांक्षा के कार्य भी जो करना है उसका भी कुछ फल अवश्य है, पर वह ऐसा फल है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी और फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती, वह अनामय पद की प्राप्ति यह उसको मिलेगा, तब वह अर्जुन अनामय पद की प्राप्ति के लिए लालायित हो उठता है। पर तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा जब तक तेरी बुद्धि स्थिर नहीं होगी इसको समझ नहीं पाएगा। और तभी अर्जुन ने कहा कि तो फिर मुझे आप बताइए, मैं तो समझता था कि मुझे स्थिर बुद्धि हो गई है, मेरी वह उच्चतम बुद्धि की मुझे स्थिति प्राप्त हो गई, अब आप कहते हैं नहीं हुई तो आप मुझे उसके लक्षण बताइए, कैसे पता पड़ेगा कि मुझे समाधि की स्थिति प्राप्त हुई या नहीं, मुझे वह स्थिर बुद्धि प्राप्त हुई या नहीं, ये मुझे मैं कैसे जानूं? और फिर मैं कैसे जानूं कि दूसरा व्यक्ति भी मुझे कहे कि मुझे स्थिर बुद्धि प्राप्त हुई, वह भी मैं कैसे जानूं? आभ्यंतर और बाह्य दोनों अक्षर, दोनों प्रकार के लक्षण श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। और तब हमने देखा श्री कृष्ण भगवान ने दोनों प्रकार के लक्षण बताए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। पहले बाह्य लक्षण बताए कि वह न तो सुख से विचलित होता है न दुख से विचलित होता है, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। और फिर उसके बाह्य लक्षण भी बताए, दुखेश्वनु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धृमुनि रुच्यते। इस प्रकार के लक्षण बताने के बाद उन्होंने कहा कि जब अंत में बताया कि ये इंद्रियों के द्वारा वह जो स्थिर बुद्धि पुरुष रहता है उसकी इंद्रियां उसी में संतुष्ट रहती हैं, वह बाहर नहीं जाती, यह जब बताया इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वह जब तक कि रस की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह भय बना हुआ है, और इसीलिए क्या कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो तीन योगों की बात एक साथ इस श्लोक में कह दी, इसकी चर्चा हमने पिछले समय की थी
कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे। संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना यह मानो हुआ राजयोग, समाहित चित्त होना यह मानो ज्ञान योग, और मेरे परायण होना माने ईश्वर के परायण होना यह मानो भक्ति योग। तीनों योगों की बात इस श्लोक में मानो कही गई। इन तीनों योगों के समन्वय के द्वारा यह स्थिर बुद्धि करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो इन इंद्रियों को वश में करने के लिए तीन उपायों का अवलंबन करने से इंद्रियां अपने वश में होगी और इसी प्रकार से स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी। अब प्रश्न उपस्थित होता है अर्जुन के मन में, अरे ये सब इंद्रियां वश में जो नहीं रहती, इधर उधर भटकती है, उसका कारण क्या है? ये सब जानने के बावजूद भी क्यों हमारा मन भटकता है, क्यों हम रास्ते से भटक जाते हैं, क्यों कई साधक लोग इस प्रकार से इतनी साधना करने के बाद भी उनका पतन हो जाता है, इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन के मन में आया। और श्री कृष्ण भगवान समझ गए और इसीलिए उन्होंने बाद में कहा कि क्यों होता है, जानता है अर्जुन किस प्रकार से यह पतन होता है, यह क्या पूरी प्रक्रिया क्या है तू जानना चाहता है, यह पतन का मनोविज्ञान जानना चाहता है, किस प्रकार से यह मनुष्य गर्त में चला जाता है वो जानना चाहता है, तो सुन ले। ध्याय उसकी शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये नाश कैसे होता है पूरी प्रक्रिया बता दी। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में संगह मतलब आसक्ति हो जाती है, और संगात आसक्ति से उन विषयों की ओर कामना, काम संजायते कामना उत्पन्न होती है, और कामात क्रोध भी जायते, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से अविवेक अर्थात मूल भाव उत्पन्न होता है, और सम्मोहात अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृति विभ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, और स्मृति के भ्रम से हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, न भूतकाल का ज्ञान रहता है, मैं कौन हूँ किसके सामने क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी उसको इस प्रकार का जो ये है ये भाव उसका सब उसकी जो ज्ञान शक्ति है बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो वो अपनी श्रेय साधना से प्रणश्यति, संपूर्ण उसका विनाश हो गया। तो चाहे किसी भी पदार्थ में, चाहे किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी पदार्थ के प्रति जब किसी की आसक्ति होती है, ये आसक्ति से ही सारे विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये आसक्ति कैसे होती है, जब उस व्यक्ति या उस विषय या उस पदार्थ के बारंबार चिंतन किया जाए, ध्यायतो उसके ऊपर ध्यान करना। जिस प्रकार से ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है ईश्वर पर ध्यान करना, या उल्टा होता है कंट्रोल नहीं रहता, फिर वो आसक्ति उसे बार बार उसे ले जाती है, विनाश के गर्त में ले जाती है। आसक्ति ही सारे हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं वर्क एंड इट्स सीक्रेट, कर्म और उसका रहस्य पुस्तक में, अटैचमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल अवर मिजरीज, जितनी हमारे दुख हैं उन सब के दुखों का मूल कारण है आसक्ति। क्यों? प्रक्रिया बता दी कि, और ये आसक्ति कैसे आती है, आसक्ति हमेशा आती है, यह सबसे पहले यदि मान लो किसी ने किसी पदार्थ को देखा, किसी ने देखा कि ये बड़ी बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है, बस मोटरसाइकिल को देख करके नई मोटरसाइकिल नया मॉडल आया है उसने देखा, देख करके उसको बहुत अच्छी लगी, तब बार बार उसको देखने की इच्छा होती है, तो बार बार उसने देखा, बार बार देखते 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 देखा तो उसने केवल 5 मिनट, पर घर में जाकर के वो जब किताब पढ़ने बैठता है तो किताब में भी वो मोटरसाइकिल दिखती है उसको, तो वो मोटरसाइकिल पर चिंतन कर रहा है कितनी अच्छी बढ़िया मोटरसाइकिल थी, उसमें देखा कितना बढ़िया इंजन है, एकदम सुपर स्पीड से चलती है, ये सब भी उसने देखा था। ये सब भाव आते कब मेरे पास ऐसी मोटरसाइकिल आएगी,
यह सब भाव उसको मन में जागृत होते हैं और इस प्रकार से दिन रात उसका चिंतन करते 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 उसका मन पूरा उस मोटरसाइकिल से भर गया। अब रात दिन उसको मोटरसाइकिल का ही चिंतन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब बिना मोटरसाइकिल उस प्रकार की उसी मॉडल की मोटरसाइकिल उसको चाहिए, तब जा करके अपने पिताजी को बोलता है। तो पहले तो हुआ ध्यायतो विषयान पुंसः, फिर संगस्तेषु उपजायते, उसे संग मतलब आसक्ति हुई, संगात संजायते काम, जैसे आसक्ति आई उसको प्राप्त करने की इच्छा होती, पजेश करने की इच्छा होती, दिन रात वो अपने पास रखूँ उस मोटरसाइकिल को, दिन रात उसको मैं चलाऊं, दिन रात मैं उसको अपने सामने रखूं, यह उसके मन में इच्छा हुई, ये काम आया, इच्छा आई। अब तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी 45,000 की बहुत अच्छी लेटेस्ट मॉडल की मोटरसाइकिल आई है और मेरे को वो चाहिए, उसके बिना मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। 45,000 की बात कर रहा है, अभी मेरा जो मकान बनाया उसका लोन पटाया नहीं और तू मोटरसाइकिल की बात करता है, नहीं अभी नहीं होगा। बस क्रोध आ गया अपने पिताजी पर, हैं, एक मोटरसाइकिल बोला वो भी नहीं दिया, फिर क्रोध करना शुरू किया। क्रोध से शुरू हुआ झगड़ा, कामात क्रोध भी जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोह, उससे मोह उत्पन्न हो गया, उसको उसकी बुद्धि सम्मोहित हो गई, उसे ये पता नहीं कि मैं अपने पिताजी को किस प्रकार के शब्द बोलता हूँ, बुद्धि सम्मोहित हो गई। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, उसकी स्थिति विभ्रम हो जाती है, विस्मरण हो जाता है, मैं कौन हूँ, पिताजी कौन है, उसको क्या किस प्रकार का बोलना चाहिए, पिताजी के अगेंस्ट ही सारे बाजार में बोलना शुरू कर देता है, अपने पिताजी के अगेंस्ट में, कहाँ तो अपने पिताजी की प्रेस्टीज बढ़ाना चाहिए, अपने पिताजी के इसमें बोलना, कार्य आपको मालूम नहीं वो इतना कालाबाजारी करता है, इतना घूस लेता है, सब वो अपने पिताजी के बारे में अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देता है, सबके सामने पेपर में दे देता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसके बाद में फिर उसका विनाश हो गया, फिर उस विनाश तो होना ही है अंत में, चाहे फिजिकल विनाश हो चाहे मानसिक विकास हो, ये सभी प्रकार से जितने हैं किसी प्रकार का, हमारे सन्यासी थे, वरिष्ठ सन्यासी गए थे वहां, तो उत्तर काशी में तपस्या के लिए गए थे, तो तपस्या में गए थे तो उन्होंने देखा कि उनके पास में एक और साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छा, एकदम नियमित रूप से सुबह में जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, साधन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसा कुछ दिन तो बढ़िया चला, उनको भी लगा हुआ बहुत अच्छे साधक का साथ मिला है। अब एक दिन देखा कि बड़े उद्विग्न दिख रहे हैं, क्या बात है आपका मन बड़ा उद्विग्न है, नहीं खबर आई है पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो बोले अब आपने तो पूर्वाश्रम के पिता थे, अब आपको क्या लेना देना, तो अभी आप अपना भगवान में मन लगाई जाओ, आपने सब छोड़ ही दिया है। नहीं मेरे को रात दिन वो प्रॉपर्टी की याद आ रही, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसका क्या होगा। अरे आपने जब पिताजी को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब होके सन्यासी बने हैं, अभी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इतनी अच्छी आपकी साधना चल रही है, तो बोलती नहीं फिर भी थोड़ा सा तो मेरे को देखना पड़ेगा, उसका पूरा वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं करेगा, जो छोटा भाई है मैं जानता हूँ वो बहुत ही स्वार्थी है और वो बहनों को देगा नहीं, माताजी को ठीक रखेगा नहीं, तो वो ठीक तो नहीं होगा, तो मैं एक बार दे के आता। तो उन्होंने कितना समझाया मत जाइए, वो गए, फिर भी गए वहाँ जा कर के, पूरा अशांति लेकर के लौट के आए, अशांति आकर के फिर तो उनका ध्यान में सारा दिन रात वही प्रॉपर्टी का चिंतन कर, देखो मैं जा कर के, वो अपने छोटे भाई को बहुत समझाया कि छोटा बहन को थोड़ा दे दे, थोड़ा माँ को दे दे और थोड़ा सा वो मंदिर के लिए ज़मीन दे दे, इतनी सारी ज़मीन है बाकी का तू रख ले, वो मान ही नहीं रहा है। तब उन्होंने जब बताया कि देखो भाई इसमें तुम्हारा आध्यात्मिक साधना खत्म हो रही, दिन रात तुम उसी जमीन का चिंतन कर रहे हो, उसने बताया मैं तो भगवान के लिए तो कर रहा हूँ ना, ये जो जमीन है मैं तो भगवान को देना चाहता हूँ, मंदिर को देना चाहता हूँ, मैं थोड़ी अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे को ये है कि उसका सदुपयोग हो, तो ये तो भगवान का ही काम कर रहा हूँ, ये भगवान का ध्यान था, ये भगवान का काम है, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो भगवान को जमीन मिले, मंदिर हो बढ़िया गाँव में, तो पिताजी के नाम से, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। कितना समझाया वो स्वामी जी ने नहीं माना, फिर दिन रात उसी का चिंतन, उसी का चिंतन, उस जमीन का क्या होगा, जमीन हड़प लेगा भाई, जमीन हड़प लेगा, आखिर में उससे नहीं रहा गया, बोले मैं ऐसा करता हूँ उसमें मेरे को ध्यान भी कुछ नहीं हो रहा है, अतो नष्ट ततो भ्रष्ट, मैं जमीन का पूरा निपटा करके बाद में आता हूँ, आ शांति से एकदम साधन भजन करूँगा। कितना समझाया नहीं माना, बाद में
तो आए नहीं वापस, फिर पता पड़ा कि वो तो गए थे, निपटा भी दिया और जमीन का निपटारा भी कर दिया। परंतु वो ऐसा हुआ कि तो जमीन का वो चिंतन करते 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 दिन रात भगवान का चिंतन जो छूट गया और विषय का चिंतन हुआ, तो बाद में फिर शादी करके वही जमीन जो बाद में अपनी मिली थी उस पर मकान बना करके बढ़िया गृहस्थी करके बन बैठ गए, खत्म सब। प्रणश्यति बुद्धि नाश प्रणश्यति, पूरा खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ये रियल एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर किसी पदार्थ या किसी विषय या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति के कारण पूरा का पूरा विनाश हो गया। ऐसे सच्चे उदाहरण उदाहरण हजारों उदाहरण हैं। मानो श्रीमद् भगवद गीता ये साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये पूरा विज्ञान है, आध्यात्मिक साधना का मानो विज्ञान है। और हमारे दैनंदिन जीवन में जो जीवन की जो जीने में हमारी जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं के समाधान का भी मानो विज्ञान है, ये दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं और हमको शास्त्रों में भी मिलते हैं और दैनंदिन जीवन में भी मिलते हैं। नारद का उदाहरण बड़ा बड़ा ही इसके लिए सुसंगत है। रामचरितमानस में कहानी आती है, एक बार नारद बैठे थे समाधि में, ध्यान कर रहे थे हिमालय में, ध्यान करते करते उनको समाधि लग गई। जब समाधि लग जाती है कोई भी जब ध्यान करता है तो सबसे ज़्यादा बड़ी चिंता होती है इंद्र देवता को, ये मेरा आसन छिवा छिन्ना चाहता है। तो इंद्र देवता को लगा भाई इसका ध्यान तो एकदम समाधि लग गई है, अब मेरा बहुत ज़्यादा समाधि लगेगी तो गया मैं काम से, मेरा इंद्र का मेरा आसन छिना जाएगा। तो उसको प्रलोभित करने के लिए उसने काम देवताओं को भेजा कि आप अपनी पूरी सेना के साथ जाइए। काम देवता आए रति को लेकर के, बहुत सारी नृत्यांगना को लेकर के नारद मुनि के सामने जा करके सब शुरू कर दिया खेल। नारद मुनि तो बड़े ध्यान में एकदम समाधि में ईश्वर के चिंतन में उनका इतना मन लग गया है वो देख ही नहीं रहे हैं। और फिर बहुत जब हुआ बहुत प्रकार के गाने बजाने नृत्य सब शुरू हुआ वहाँ पर हिमालय में, जब काम की पूरी सेना जब लग गई तब फिर क्या किया जाए। अब नारद ने थोड़ा सा देखा, देखा तो काम इस प्रकार से पूरी सेना के साथ यह उनको ललचाने का प्रयत्न कर रहा है। नारद ने हंसते हुए कहा काम देवता आप लौट जाइए, मैं अभी ईश्वर के चिंतन में मुझे जो आनंद आ रहा है उसके सामने तुम्हारी सेना कोई आनंद नहीं दे पाएगी, आप बाइज्जत लौट जाइए। काम देवता बेचारे बाइज्जत वापस लौट गए। अब नारद मुनि ने काम देवता पर तो विजय प्राप्त कर लिया, परंतु अब दूसरा एक दुर्गुण, यही समस्या है। जब दुर्गुण आते हैं तो एक साथ आते हैं और जब सद्गुण आते हैं तो एक आता है तो दूसरा चला जाता है। जैसा ही ये सद्गुण उन्हें आया कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया, दूसरा दुर्गुण आ गया, एक सद्गुण चला गया, निरहंकारिता थी वो चली गई, अब अहंकार आ गया, सूक्ष्म अहंकार आ गया। देखो शिव जी ने मेरे सेवा तो कोई है ही नहीं जिसने इस प्रकार से काम पर विजय प्राप्त की हो, सारी दुनिया में कोई नहीं, स्वयं काम आया अपनी सेना के साथ मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, आह मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिए, मेरे जवान कोई नहीं है। फिर उसने कहा नहीं है तो सही, शिवजी ने भी काम पर विजय प्राप्त, हाँ शिवजी ने भी विजय प्राप्त की थी पर क्रोध को तो नहीं जीत पाए थे ना, क्रोध से उन्होंने देखा तो काम जलकर भस्म हो गया। फिर बाद में रति ने वरदान लिया तब जाकर के काम देवता को सूक्ष्म रूप मिला कि वो कभी स्थूल रूप में नहीं आ सकेगा, यह वरदान मिला। भले शिव जी ने भी काम पर विजय प्राप्त की पर क्रोध तो कर ही दिया, मैं तो शांत रहा और काम को मैंने माफ कर दिया, मैं शिव जी से भी बड़ा हूँ। अब फूले नहीं समा रहे हैं, रात दिन यही चिंतन हो रहा है, आह मैंने काम पर विजय प्राप्त के लिए कितना मैं महान हूँ, पर उनके से या दूसरा कोई तो प्रशंसा नहीं कर रहा है, क्या करें। थोड़े दिन तक तो ऐसा चला, फिर गए शिव जी के पास और शिव जी के पास पूरा सविस्तर वर्णन किया किस प्रकार से काम किस प्रकार से मुझ पर अटैक किया, पर इस प्रकार से मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है और मैंने तो काम पर गुस्सा भी नहीं किया। इस प्रकार से शिव जी समझ गए कि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो काम पर विजय प्राप्त किया, अहंकार नाम का वो रावण अंदर घुस गया, अब क्या किया जाए, इनको तो बचाना है। पर वो तो सुनेंगे नहीं, बोले हाँ हाँ बहुत आप तो बड़े महान हैं, आप पर काम की कोई असर, आप इतने बड़े भक्त हैं आप पर क्या कोई काम की असर हो सकती, नहीं नहीं आप तो महान हैं बहुत अच्छे हैं। पर उनके कल्याण के लिए शिवजी ने कहा देखो आपने मुझे जो बखान किया बहुत अच्छा किया,
आप बीच बीच में आइएगा सत्संग के लिए, आपको देख करके मेरा तो बस, पर ये बात जो आपने मुझसे कहा है वो विष्णु से मत कहिएगा कम से कम। अब उनको तो बचाना था कि विष्णु को कहने से विष्णु तो खत्म कर डालेंगे, इनको पता लगेगा, पर इनके मन में आया ओ मुझे बोल रहे हैं विष्णु से ना मिलो, क्यों? जेलसी आ गई। शिव जी के मन में ईर्ष्या आई है कि मैं काम को कर लिया और विष्णु के सामने मेरी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी, उनकी तो ऐसी कम हो जाएगी, इसलिए ईर्ष्यावश शिव जी में ईर्ष्या आ गई। अरे बाबा नहीं, तब तो जाना ही पड़ेगा। तुरंत निकले विष्णु के पास, ना बोला था फिर भी गए विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास जाकर के पूरा बखान किया और थोड़ा सा टच भी कर दिया, थोड़ा सा बता भी दिया कि शिव जी को भी मैंने बताया था, पर वो ईर्ष्या नाम का रोग तो सबको लागू होता है, क्या किया जाए, तो वो तो कैसे पचा सकेंगे मैं इस प्रकार से सब कहा। अब विष्णु भगवान समझ गए, अरे बाबा रे बाबा, ये तो भयंकर रोग लागू हो गया, काम पर तो विजय का अहंकार का लग गया, अहंकार जहां आया तो फिर भक्ति नाम की वस्तु नहीं रहती है। मेरे भक्तों नमे भक्त प्रणश्यति, मैंने प्रण किया है, गीता में ही आएगा, नमे भक्त, मेरे भक्त का संपूर्ण विनाश होने वाला, क्यों? अहंकार यदि साधक के मन में आया तो फिर संपूर्ण विनाश होकर रहेगा, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समय, प्रेम जी की जो गली है वो बहुत साकरी है, उसमें दो नहीं रह सकते, या अहंकार रहेगा या ईश्वर रहेगा। अब इसका अहंकार आया तो मुझे बाहर निकल जाना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा भक्त नारद, उसकी ऐसी अवस्था हो गई, उसको अहंकार आ गया, इतने बड़े भक्तों को तो बचा नहीं पड़ेगा, क्या किया जाए? अब उपाय उन्होंने सोचा, अब नारद मुनि को बहुत किया, बहुत अच्छा करके किया, आशीर्वाद दिया, और फिर नारद मुनि चले वापस लौटे, ईश्वर भगवान को प्रणाम करके वापस लौटते समय देखा एक माया नगरी, बहुत बड़ा नगर है, बहुत सुंदर नगर, ऐसे सुंदर स्त्री पुरुष नहीं देखे थे, ऐसा सुंदर नगर कभी उन्होंने नहीं देखा था। अब तो माया नगरी, ईश्वर की बनाई हुई नगरी तो कैसी होगी, स्वयं अपने आस एकदम बड़े प्रश्न हुए। तब तक मैं देखा कि वहां के राजा, बहुत संपन्न राजा, इनको पता पड़ा नारद मुनि आ रहे हैं, तो बोले उनको बहुत सम्मान पूर्वक राज्यसभा में ले आइए। तो राज्यसभा में लाया गया, नारद मुनि को बहुत सम्मान दिया गया। अब नारद मुनि को बोला कि मुनि जी थोड़ी सी हमको समस्या है, आप अच्छे समय पर आ गए, आप हमारी चिंता को दूर करने के लिए आए हैं। बोले क्या चिंता है? बोले मेरी राजकुमारी बड़ी सुंदर है, राजकुमारी बड़ी हो गई, अब उसको तो थोड़ा उसका तो विवाह करना होगा, तो आप जरा देख दें उसका हाथ देख करके कि कैसे क्या होगा, किस प्रकार का उसको वर मिलेगा, तो हमारी चिंता दूर हो जाए। तो फिर उनको अंदर लाया गया, महल के अंदर राजकुमारी को लाया, राजकुमारी तो ईश्वर की बनाई हुई, तो उसका नाम ही था विश्व मोहिनी, समस्त विश्व को जो मोहित कर सकती ऐसी। और उसका हाथ, अब नारद मुनि हाथ देखने लगे, हाथ ही देखते रह गए, हाथ देख रहे हैं और इतने मोहित हो गए कि हाथ में जो रेखा थी सब उल्टी देखने लग गए, हाथ की सब रेखा उल्टी देखने लग गए। बाद में उन्होंने जो पढ़ा लिखा ऐसा था, उसका वर जो होगा वो समस्त विश्व का स्वामी होगा, उसके बदले उन्होंने पढ़ा कि जो इसके साथ शादी करेगा वो विश्व का स्वामी बन जाएगा, विश्व का सम्राट बन जाएगा, ये उन्होंने पढ़ा। अब ये बात उन्होंने राजा को उन्होंने बताई, बोले नहीं 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 उसकी हाथ रेखा बहुत अच्छी है, उसको अच्छा वर मिलेगा करके कुछ भी इधर उधर समझा करके निकल गए। अब बस ध्यायतो विषयान पुंस, सारा दिन रात अभी भगवान का ध्यान छूट गया, दिन रात विश्व मोहिनी का वही रूप, वही हाथ, वही उसी का ध्यान चल रहा है। क्या रूप बस। और जैसे ही रात दिन चिंतन करते 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 ध्यान उसी का हो रहा है, विश्व मोहिनी का, जहां भगवान के लिए बैठे विश्व मोहिनी, जहां ध्यान का भगवान बैठे विश्व मोहिनी, दिन रात विश्व मोहिनी, 24 घंटा विश्व मोहिनी का चिंतन ध्यान करते करते करते। अब ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग माने आसक्ति आ गई, अब विश्व मोहिनी में आसक्ति आओ, संगा संजायते काम, जहां आसक्ति आई मिलने की कामना, मुझे विश्व मोहिनी कैसे मिले, मैंने उसमें देखा है जो उसके साथ शादी करेगा वो सारे विश्व का सम्राट बन जाएगा,
बस ये तो बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर विश्व मोहिनी मिल जाए और फिर इस विश्व का सम्राट भी बन जाऊं, इससे अच्छा और क्या चाहिए। रात दिन अब ये चिंतन, पहले रात दिन विश्व मोहिनी का चिंतन होता था, फिर रात दिन विश्व मोहिनी के प्रति आसक्ति आई, और फिर अब रात दिन ये चिंतन हो रहा है कि विश्व मोहिनी कैसे मिले। व्याकुल हो गए, विश्व मोहिनी कैसे मिले। फिर उन्होंने सोचा, उनके मन ने कहा, तेरी क्या औकात है रे, तू एक मुनि है, तेरे साथ कोई शादी करेगा है? हाँ, ये तो मुनि के वेश में तो शादी नहीं करेगी राजकुमारी, क्या करूं। तो उन्होंने सोचा, हरि के समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं इस दुनिया में, वो दूसरा तो कोई है मैं नहीं, हरि को ही स्मरण किया रे, अब सहायता किसके लिए, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं तो मेरे सिवा, मेरा हरि के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं दुनिया में, हरि के समान मेरा हित चिंतक इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हरि के शरण में गए, प्रार्थना कर ले, अब भगवान ईश्वर, हे ईश्वर आपके शरण में आया, हे भगवान आपके शरण में आया। और फिर ईश्वर भगवान ने दर्शन दिया, विष्णु भगवान, क्या हुआ? बोले, भगवान बहुत ही इस प्रकार से मेरा मन व्याकुल हो उठा है, और मेरे आपके समान मेरा हित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, हे प्रभु जिससे मेरा हित हो ऐसा ही कुछ कीजिए, ये मेरी समस्या है। अब ईश्वर ने सांकेतिक भाषा का उपयोग किया, अरे नारद, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करता है? यदि कोई छोटा बालक वैद्य के पास कोई मीठी दवाई चाहे, तो कभी कभी वैद्य उसको कड़वी दवाई भी देता है, पर वो उसका हमेशा हित करता है, मैं तेरा हित ही करूँगा, तू चिंता मत कर, जिसमें तेरा हित होगा वही करूँगा। अब ये नारद मुनि तो उसका सांकेतिक रूप समझ नहीं सके, उन्होंने ईश्वर को प्रार्थना की कि मुझे सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि विश्व मोहिनी मेरा ही वरण करे, जब वो स्वयंवर होना हो तो मेरा, मेरे को देखकर मेरा ही वरण करे, इस प्रकार का रूप मुझे सुंदर दीजिए। भगवान ने क्या सोचा कि यदि उसको सुंदर बनाता हूं तो बाद में नाचो नर मरकट की नाई, सारा जीवन मरकट की नाई बंदर के समान नाचता रहेगा, तो बंदर बन जाएगा, अभी बंद सुंदर बनाऊंगा, और अभी उसको बंदर बनाऊंगा तो सारा जीवन सुंदर रहेगा, तो बंदर बना के सुंदर बनाऊं ना सुंदर बना के बंदर बनाऊं, बहुत सोचने के बाद कहा नहीं नहीं मैंने उसको कहा था मैं तो उसका हित करूंगा, तो उसका बंदर का रूप उसको दे दिया। अब नारद मुनि तो जानते नहीं मेरा क्या रूप है, एकदम जा करके वो विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, और वहां जाकर के बैठ गए लाइन में सब राजाओं के साथ, एकदम वो ऐसा सोच रहा है मेरा समान सुंदर कोई नहीं है, विश्व मोहिनी आएगी और मेरे गले में वरमाला पहना देगी, और ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं, विश्व मोहिनी आई आई उस रास्ते, उस तो देखा तक नहीं, ये ऊंचा ऊंचा के देख रहे हैं, शायद एक बार मेरी तरफ देखे तो बस मेरा कल्याण हो जाए, एक बार देखा तक नहीं, विश्व मोहिनी उस तरफ से जा करके और आगे गई, और इधर ये जब उस तरफ गई, इस तरफ देखा तक नहीं, नारद मुनि तो बड़े बेचारे बहुत निराश हुए। तो पीछे शिव जी के गण बैठे थे, उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पहले अपनी सूरत तो देख, उसके बाद फिर इस प्रकार से उठ उठ करके देखना कि तुझे तेरे समान चेहरे वाले को कोई विश्व मोहिनी आएगी उस तरफ नजर में देखी, पहले तेरा चेहरा देख, इस प्रकार से खिल्ली उड़ाने लग गए। तब नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया, उनको शाप दे डाला, जाओ तुम लोग बंदर बन जाओ। और इधर तो इन्होंने देखा विश्व मोहिनी तो आगे जाकर के एक राजा के पास में गर्व वलमाला दे दी, चली गई। अब इनको बड़ा क्रोध आया, कामात क्रोधो विजायते, जब काम में अवरोध आता है तो क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है, कई लोग पूछते हैं, गुस्सा क्यों आता है हमेशा, ये कामात क्रोधो विजायते, जब हमारी इच्छा अवरोध हो जाती है, मैंने जैसा चाहा था ऐसा नहीं हुआ, तुरंत क्रोध आता है, अवरोध, जहां काम में अवरोध आया, हमारी इच्छा में कोई भी अवरोध आया तो क्रोध आता है। ये हमेशा हम लोग इसका विश्लेषण करके देख लें, तो इसी प्रकार से कामात क्रोधो भी जाए थे। अब नारद मुनि का जब इच्छा पूर्ण नहीं हुई, एकदम क्रोध आ गया, और जाकर के शिव जी ने कहा, शिव जी के गणों ने कहा था, तो जाकर के पास में तालाब था, तालाब में अपनी परछाई देखी, परछाई देखी तो देखा बंदर का मुंह। हाँ, मैंने भगवान को कहा था कि तुम्हारे समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं है, उस पर मुझे इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था
कि मुझे दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष बना दो, उसके बदले मुझे बंदर का मुंह दिया। एकदम क्रोध आ गया। शिव जी को तो क्रोध आया था काम पर, इनको क्रोध आया राम पर, उल्टा हो गया। अभी भगवान पर ही क्रोध करने लग गए। शिव जी तो बेचारे काम पर क्रोध किया था, इनको राम भगवान पर ही क्रोध आ गया। हाँ, ये भगवान, ये जो विष्णु है, यही सब इसी इसके पीछे इसी का चाल है। ये विष्णु भगवान अपने से बाहर हो गया है, अभी इसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसीलिए उसका इस प्रकार का उसका साहस है। मैंने इतना विनंती पूर्वक, इतना अनुरोध पूर्वक, इतनी प्रार्थना करके उसकी इतनी भक्ति की, और मैंने बोला था तुम्हारे समान हित करने वाला कोई नहीं है, और उसने मुझे सुंदर बनाने के लिए बंदर का मुंह बनाया, बंदर का मुंह दिया। आज उसको मजा चखाता हूं, आज उसको मजा चखाता हूं, एकदम क्रोधित हो गए। आज भगवान को मजा चखाऊंगा, अभी तक कोई उसको मिला नहीं है, तीनों लोकों का स्वामी है, पर मैं बता दूंगा कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। एकदम क्रोधित होकर के चले कि ईश्वर भगवान के दरबार में जाकर के आज खरी खोटी सब सुनाऊंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, कोई रूल करने वाला है, इसीलिए तुम लोग इस प्रकार के मन मोह गए और इस प्रकार से अपने मनमानी करते रहते हो। पर तुम ये मत समझना, मैं भक्त हूं, भक्त था, अब जाकर अभी तक तुम्हारे गुणगान करता था, अब तुम्हारे उल्टे गुणगान करके सारे दुनिया में बता दूंगा तुम्हारे समान धोखेबाज कोई नहीं है। मेरे को बोला कि मैं तुम्हारा हित करूंगा और मुझे बंदर का मुंह दिया, आज सारे दुनिया में तुम्हारा प्रचार करूंगा, मिले तो सही मेरे, ऐसा करके चले वैकुंठ की ओर। अभी तो जा रहे हैं और रास्ते में विष्णु भगवान मिले, रास्ते में मिल गए, और साथ में कौन, वही विष्णुमोहिनी। अब तो देखिए उसका क्रोध, देखिए मुनि जी कहां जा रहे हैं, अब देखिए उसका क्रोध है। मुनि जी कहां जा रहे हैं, शर्म नहीं आती है? मोरे को बोला था आपने कि मेरा हित करेंगे, और इस प्रकार से खुद विष्णुमोहिनी को ले गए और मेरे को इस प्रकार से बंदर का रूप दिया, मेरी हंसी उड़ाई। देखो आज मैं तुमको शाप, या तो मैं मर जाऊंगा या तुमको शाप दे करके रहूंगा, दो में से एक आज होकर के रहेगा। मैं तुमको शाप देता हूं कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई, तुम्हारी भी हंसी उड़ेगी। तुमने मुझे विरह की वेदना दी, विश्वमोहिनी से मेरा विरह कराया, तुमको भी अपनी पत्नी के विरह में तुमको जन्म लेना पड़ेगा राजा के रूप में, और तुमको भी विरह की वेदना सहन करनी पड़ेगी अपनी पत्नी से। और ये जो बंदर का मुंह दिया था, ये बंदर लोग ही तेरे काम में सहायता लेंगे। विष्णु भगवान ने हंसते हुए हाथ जोड़ के कहा, वाह मुनि वाह, मैं तो समझता था आप जब क्रोधित होते शाप देते हैं, आप तो क्रोधित होते तो भी हम पर आशीर्वाद देते हैं। आपने पहला आशीर्वाद तो ये लिया कि मुझे नर जन्म मिलेगा, नर जन्म से श्रेष्ठ जन्म नहीं है पृथ्वी में, नर जन्म मिलेगा, और फिर मैंने तो आपको शादी नहीं होने दी, कम से मेरी शादी तो होगी। आपने तो यही कहा था जब पत्नी से विरह होगा, तो आप तो बड़े दयालु हैं। और इस प्रकार से ये विष्णु भगवान ने शाप अपने ऊपर ले लिया, और यही रामचरितमानस में मानाते, रामचरितमानस में गाथा आती है राम ने क्यों जन्म लिया, तो उसकी कई गाथाएं, उनसे एक गाथा ये है, नारद मुनि ने शाप दिया था कि तुमको मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा, तुमको भी राजा बनना पड़ेगा, तुमको पत्नी का विरह होगा, और इसे सीता से उनका विरह हुआ, रावण उठा के ले गया, और ये बंदर का मुझी बुझी दिया था, बंदर लोग ही तुम्हारे काय में सहायता होंगे, इसलिए सभी बंदर की सेना के द्वारा उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। यह एक बहुत सारी कहानियों में से एक कहानी है। और बाद में अचानक विष्णु भगवान को जब इस प्रकार से शाप दे दिया, सब कुछ हो गया, तो विष्णु भगवान ने कहा, आह सी मुनि जी, क्या आपका तो आपका हृदय है, मैंने इतना भी करने के बाद भी आप आशीर्वाद ही देते जा रहे हैं, मेरे लिए तो आशीर्वाद है। इतना कहा और ऐसा हाथ रखा नारद मुनि पर, और सब माया गायब। विश्वमोहिनी वहां नहीं है, वो माया नगरी नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर वही वहां पर वैकुंठ में वहीं पर खड़े हैं नारद मुनि। ये सब पूरा चल रहा है, पूरा स्वप्न में ही चल रहा है पूरा। और फिर नारद मुनि कहते, हे प्रभु, ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर डाला, अरे अरे अरे, मैंने आपको शाप। अब उनकी बुद्धि वापस आ गई, जब माया वापस ले ली, बुद्धि वापस ले, अरे ये प्रभु, मैंने आप ही पर शाप दे डाला, मैं कितना। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, देखा नारद, अहंकार करने से क्या होता है, ये मैं तुझे दिखाना चाहता था, अब तुम्हारा अहंकार दूर हो गया, कोई बात नहीं, अब फिर से वही तुम भगवान का नाम लेते रहते, तीनों लोक में विचरण करो। ये कहानी है, पर कहानी के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया वहां बताई गई। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो चिंतन करने से,
किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का, किसी पदार्थ का, भोग्य पदार्थ का निरंतर चिंतन करने से, ध्यायतो मतलब चिंतन करना, ध्यान करना, उस पर ध्यान करने से क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते कुछ आयते, संग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति का जन्म होता है। संगात संजायते काम, आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से कामना का उत्पन्न होती है, उसको प्राप्त करने की। जिस भोग्य पदार्थ पर आसक्ति होती है उस पर सेंस ऑफ पोजिशन आता है, यह पदार्थ, यह वस्तु, यह व्यक्ति मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे पास रहे, दिन रात मैं उसको देखूं, मैं जैसा करूं इस प्रकार से करे, मैं जिस प्रकार से कहूं इस प्रकार से करे, यह सेंस ऑफ पोजिशन, यह उसका कामना प्राप्त करने की इच्छा आ गई। फिर कामात क्रोधो विजायते, जब कामना की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, विश्व मोहिनी के प्राप्त करने की इच्छा हुई उनको, जब ये पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आ गया, स्वयं ईश्वर पर ही क्रोध आ गया। कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, बुद्धि सम्मोहित हो गई, पता नहीं रहे किस पर मैं क्रोध कर रहा हूं, स्वयं ईश्वर पर ही क्रोध करना शुरू कर दिया, पर कौन है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई, इतनी विस्मृति आ गई कि यह भूल गए कि मैं कुछ दिन पहले शिव जी को बोलता था किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, काम पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, आज ईश्वर पर भी क्रोध कर रहे हैं, ये बात भूल गए कि मैं खुद क्या लेक्चर देता था, अभी मैं क्या कर रहा हूं। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति भ्रम जब होता है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि विनाश हो गई, बुद्धि जब विनाश हो गई तब ईश्वर को ही शाप देने लग गए, ईश्वर को शाप देना, ईश्वर शाप देंगे ना, तुम ईश्वर को शाप दोगे, बोले मैं ईश्वर को शाप देता हूं, ईश्वर को ही शाप देना, यह मानो बुद्धि नष्ट हो गई, इतनी बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का संपूर्ण विनाश हो जाता है, पर यहां नहीं हुआ, वह अंतिम प्रक्रिया नहीं हुई। क्यों? श्रीमद भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह प्रण किया, कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति, हे अर्जुन चारों ओर ढंडेरा पिटा करके बोल दे सबको, जोर जोर से जाकर के बोल दे सारे विश्व में, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जिसने एक बार अपने आप को भक्त के रूप में ईश्वर के पास रखा और ईश्वर ने जब देखा कि वो मेरा भक्त है, स्वीकार किया, फिर वो विनाश नहीं होने देता है, ईश्वर उसका विनाश नहीं होने देते हैं। नारद का विनाश नहीं हुआ, उसके अहंकार का विनाश हुआ। तो ईश्वर अहंकार का विनाश करेंगे, भक्त का कभी विनाश नहीं करेंगे। उस अहंकार का विनाश करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होगी, चलेगी, बहुत प्रकार का दुख प्राप्त होगा साधक को, भक्त को, पर संपूर्ण विनाश कभी नहीं होगा। यदि एक बार किसी भक्त ने कह दिया शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम, हे प्रभु अर्जुन ने भी कहा था मैं आपके शरण में आया हूं, नारद ने कहा था हे प्रभु तुम्हारे समान हितकारी मेरा दुनिया में कोई नहीं है, यह जो बात कही थी भगवान ने, यह याद रखी थी, यह मेरी शरण में आया है, मैं उसका विनाश नहीं होने दूंगा, पर उसके भीतर में जो अहंकार है अभी बीज के रूप में है, यह कल बड़ा स्वरूप धारण करेगा, वही रावण का स्वरूप धारण करेगा, उसको जब बीज के रूप में ही उसको दग्ध कर डालूं, और इसलिए यह सारी प्रक्रिया होती है और वे पूरा सारा नाटक खेला जाता है अंत में, परंतु नारद का संपूर्ण विनाश नहीं होता, उसका कारण नमे भक्त प्रणश्यति। परंतु यह नारद के उदाहरण के द्वारा यह बताया गया, सारी जो प्रक्रिया जो गीता भगवत गीता में कही गई है, सारी प्रक्रिया को इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि सारा पतन किस प्रकार से होता है, एक के बाद एक होता है। ये सारी प्रक्रिया एक बार शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान पुंसः, प्रथम प्रारंभ होता है वहां से। कितने सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण मेरे पास हैं, सैकड़ों उदाहरण हम वो बोल सकते हैं, पर अभी उसको बोलने का टाइम नहीं, एक ही उदाहरण मैं बताता हूं। इससे सीख करके वह जो प्रक्रिया बताई गई, वह स्थित प्रज्ञा की ओर यदि हमें जाना है तो किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दो श्लोक हैं। प्रत्येक साधक के लिए, जो कोई भी भक्ति का मार्ग लेना चाहते हैं या ज्ञान का या योग का मार्ग लेना चाहते हैं, उन सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट में एक बार मैं बैठा था अपनी चेम्बर में, उसी समय एक युवक आया। युवक ने आकर कहा कि आप ये खिड़की दरवाजे बंद कीजिए। मैंने कहा देखो भाई, मेरे रूम के ऑफिस के रूम खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। तो उसने खुद ने बंद कर दिए। बंद करके उसने एक छुरी निकाली और छुरी मेरे टेबल पर रख दी। बोले ये छुरी आप रख लीजिए। बोले मैं छुरी का क्या करूँगा। बोले नहीं, ये छुरी आप रख लीजिए, ये छुरी मेरे पास रहेगी तो बहुत भयानक है। बात क्या है, पर बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही उत्तेजित था। तब उसको बैठाया, चुपचाप बैठो, दो मिनट बैठो, उसका क्या बात क्या है बोलो। तब उसने बताया, मेरे साथ ज़्यादा उसका ये नहीं था, देखता था रोज़ सुबह वो परिक्रमा करता था, मंदिर की परिक्रमा करता था। इसको भक्त नहीं कहते हैं, वो मंत्र दीक्षित भक्त भी नहीं था, जैन परिवार से आया था तो मंत्र दीक्षा तो लिया नहीं था, परंतु अधिकांश बार उसको देखा था, वो मंदिर की परिक्रमा कभी कभी किया करता था, कभी कभी उसको किताब कुछ दी होगी। कई युवक मेरे पास आते थे, उनको स्वामी विवेकानंद किताब दिया था, उस प्रकार से उसको ज़्यादा जान पहचान उतनी नहीं थी कि जिसको मैं, मुझे तो कम से कम पता नहीं है कि मैं उसको बहुत जानता था। पर वो आया मेरे पास और आकर के बस बोला कि अभी ये छुरी आप पास रख लीजिए। फिर बोले क्या बात क्या है, बोले कि तब उसने पूरी सारी बात बताई कि उसको इस प्रकार से कॉलेज में पढ़ता था और जैसा आजकल होता है, बस एक लड़की से प्यार हो गया और प्यार बहुत चला। पहले उसको देखा कि उसके बाद में उसको बार बार देखने की इच्छा हुई तो जब देखना का शुरू हो गया तो फिर उसने सोचा नोट्स वगैरह चेंज एक्सचेंज करना, ये नोट्स, बोले ये नोट्स मेरे, उसने नोट्स मंगे, इसने नोट्स मंगे, कैसे भी करके उसने उसमें इंटरेस्ट बहुत बताया। लड़के ने भी थोड़ा रिस्पॉन्स दिया। तो फिर अब दिन रात उसी का चिंतन कर रहा था, वो दिन रात चिंतन करते 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 उसको उसमें आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई तो फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई। तो फिर उसको लेकर के आइसक्रीम खिलाता था, पार्लर में जाता था, मोटरसाइकिल बैठा करके जाता था और दोनों का जो अफेयर है वो काफ़ी आगे बढ़ा। उसके बाद में उसको तो लगा कि बस ये तो मेरी हो गई। एक दिन उसने देखा कि वही लड़की उसके किसी मित्र के साथ मोटरसाइकिल में पीछे जाके जा रही है। बस तब पता पड़ा कि उसका एक के साथ नहीं, दो तीन लोगों के साथ अफेयर है। इसके बाद और वो जो जिसके जिस पे उसने देखा था, जिस फ्रेंड के साथ उसने मोटरसाइकिल में, बस मेरा फ्रेंड मेरे साथ ऐसा धोखेबाजी किया, ये सोच करके वो पहले तो उसको बहुत दुख हुआ, फिर उसके बाद में क्रोध आया कि ये लड़के ने मेरे साथ धोखेबाजी की, उस फ्रेंड ने भी मेरे साथ धोखेबाजी की, बस जब तक दोनों को मार नहीं डालूंगा तब तक मुझे चैन नहीं होगा। दिन रात वही चिंता भी कर रहा है, पहले दिन रात लड़की के प्रेम की चिंता कर रहा था, अब लड़की ने जो बेवफाई की उसकी चिंतन करते 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 इतना क्रोध आया, दिन रात पढ़ रहा था, बोले इसने मेरे साथ ऐसी बेवफाई की, इसने मेरे साथ ऐसी बेवफाई की, इसने मेरे साथ ऐसा खेल किया, बस इतना गुस्सा आया कि एक दिन फिर रह नहीं पाया। घर में से लिया छुरी, छुरी लेकर के बस दोनों को मार डालूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, फिर मेरा जो होना हो, जो होना होगा, मैं दोनों को जब मार डालूंगा तभी मेरे मन में शांति मिलेगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस लड़की के बारे में एक हफ्ता पहले बोल रहा था मैं उसके बिना जी नहीं सकता, अब वो बोल रहा है कि जब तक उसको मार नहीं डालूंगा तब तक मैं जी नहीं पाऊंगा। उल्टा हो गया, एकदम उल्टा डायलॉग। वही आदमी बोल रहा था एक हफ्ता पहले कि जब तक वो यदि नहीं मिलेगी मुझे, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, यदि मेरे साथ उसकी शादी नहीं होगी या वो नहीं रहोगी, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं जी सकता, ऐसा बोलता था। वही अब बोल रहा है जब तक उसको मार नहीं डालूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, एकदम वो उल्टा हो गया। और सचमुच में ऐसा फिर एक दिन तो इसको हुआ, तो फिर छुरी निकल के निकला और छुरी निकल के दोनों का आज खत्म कर डालूंगा, इस प्रकार से निकला। जा रहा था रास्ते में रामकृष्ण आश्रम वो आता है, तो रामकृष्ण आश्रम से जा रहा था, रामकृष्ण आश्रम तो वो डिवोटी नहीं था पर रोज मंदिर में जाता था, मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर को दूर से प्रणाम करके ठाकुर को निकल कर निकल जाता था। उस दिन क्या हुआ पता नहीं कि बोले मुझे ऐसा ग्रेविटेशनल पुल जैसा होता है, ऐसा मान लो कोई कह रहा है तू इधर आ, और इस प्रकार से वो मंदिर में गया, जैसी उसकी रोज की ये थी आदत थी, मंदिर में गया। मंदिर में जब गया तो वहां पर रामकृष्ण देव की मूर्ति है,
रामकृष्ण ने उसको कहा तू मेरी ओर देख, वो देखता रहा मेरी ओर देखता रहा मेरी ओर देखता रहा, 15 मिनट तक वो रामकृष्ण देव की ओर देखता रहा, कंटिन्यूस देखता रहा, ये उसने मुझे बताया। देखने के बाद उसका पूरा गुस्सा शांत हो गया और फिर उसको समझ में आया, हाय हाय मैं क्या कर रहा था, अरे दोनों का मैं खून कर रहा था, उसके माँ बाप का क्या होता, इसके माँ बाप का, मेरे माँ बाप का क्या हुआ था, मुझे जेल में डालती, ये मैं क्या कर रहा था। बुद्धि नाश्त हो गया था ना उसको, ये सब भूल गया था कि यदि मैं उसका खून करूंगा दोनों का तो मुझे तो तत्काल तो शांति मिल जाएगी, बाद में मुझे जेल में डालेगा, मुझे मेरे पर मर्डर केस होगा, मेरे माता पिता को दुख होगा, उसके माता पिता को दुख होगा, ये मैं क्या कर रहा था, ये सब उसको पता पड़ा वहां पर मंदिर में, और उसको एकदम शांति मिल गई। तो उसको पता पड़ा अरे भगवान ने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा दिया, और फिर जा करके घर में वापस गया, वापस गया और फिर पढ़ने बैठा, तो पढ़ने में मन नहीं लगे, उसी की वही वो दोनों का चित्र आता है, फिर भी कैसे भी पढ़ना। 2-3 दिन बाद फिर वो करते 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 सबकॉन्शियस माइंड में था, नहीं अब तो मार ही डालना है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर निकला, फिर वही छुरी लेकर के निकला, निकल करके जैसे ही वहां से पास हो रहा था फिर उसको बुला रहा, इधर आ इधर आ इधर आ, कोई बुला रहा है, जा करके वहां गया मंदिर में, तू मेरी ओर देख, मानो रामकृष्ण उसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो देखता रहा देखता रहा, 15 मिनट देखा, फिर मन शांत हो गया। बोले ऐसा 3 बार हुआ है, अब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, ये छुरी आप रखिए, ये छुरी मेरे पास अभी भी रखी हुई है, ये प्रूफ के लिए, जितने लड़के लड़कियां आते हैं सब प्रॉब्लम अपन लेकर के उनको बताता हूँ, पहले छुरी बताता हूँ, डर जाते, बोले ये छुरी तुम्हारे, ये तुम्हारी कहानी बताती है, तुम लोग के जितने प्रेम अफेयर्स वाले हैं यही कहानी, ध्याया तो विषयान पुंस, पहले आसक्ति होती है देखने के बाद, पहले देखने की इच्छा होती, बार बार देखने के बाद फिर आसक्ति होती, उसी क्यों आसक्ति होती, चिंतन चलता रहता है, उसी की बात सोचते थे क्यों, मजा आता है वो, यदि एक आदमी कोई अच्छा लग गया उसको, लड़की को या लड़के को, लड़के अच्छे लगे फिर उसी का चिंतन होता है, उसमें मजा आता है, रस आता है, वो रस प्राप्त करने के लिए दिन रात उसका चिंतन चलता है, जब चिंतन चलता है आसक्ति होती, जब आसक्ति हो तो पाने की कामना होती, जब पाने की कामना में अवरोध आता है तब क्रोध आता है, क्रोध जब आता है तो विस्मृति हो जाती है, मैं कौन हूँ क्या कर रहा हूँ ये सब, और फिर बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो ये इसका संपूर्ण विनाश क्यों नहीं हुआ, इस लड़के का भी संपूर्ण विनाश इसलिए नहीं हुआ कि रोज जाने अनजाने रामकृष्ण देव के पास आता था, भले वो आता था वॉकिंग के लिए, 3-4 चक्कर लगाता था और जाते समय सैल्यूट करके जाता था, बस इतने से ही रामकृष्ण इतने संतुष्ट हुए कि उसको बचा लिया, वह भक्त नहीं था, जैन लड़का था, बाद में तो उसके बाद मेरे को मिला भी नहीं एक भी बार, वो जो छुरी दे के गया तो गया, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, दूसरी छुरी लेके मार भी डाला होगा तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि जब भगवान ने बचाया है तो ऐसा नहीं किया होगा, उसको ये मिली होगी और कहीं दूसरी जगह उसका मन टिक गया होगा, शादी वादी करके भी बच्चे बच्चे भी होंगे, अभी उसका लड़का भी उसी प्रकार से फ्रेम अफेयर कर रहा होगा, इतना बड़ा हो गया होगा। तो जो भी हो, यह जो प्रक्रिया है, यह हमारे दैनंद जीवन की जितनी घटनाएं हैं, जितना आजकल जो हो रहा है उसका इतना सुंदर चित्रण भगवद गीता, लोग कहते हैं अरे भगवद गीता 3000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहा, अब उसको लेकर के क्यों झंझट करें, अरे एक एक श्लोक में इतना गहन ज्ञान है, आज की हमारे दैनंदिन जीवन की जितनी समस्याओं का समाधान इसमें दिया है। ये केवल हमको मरने का नहीं सिखाती है कि मरने के बाद हमको अमृत मिलेगा और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, केवल सांख्य योग की बात नहीं है, केवल ज्ञान योग की बात नहीं है, केवल ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं है, केवल आत्म साक्षात्कार की बात नहीं है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये हमारे दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से रिलेशनशिप ठीक रखना चाहिए, दैनंदिन जीवन में हम लोग क्यों दुखी होते हैं, दैनंदिन जीवन में हम कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे अपने को बचा सकते हैं, ये सब बातें भगवद गीता में इतने वर्षों पर, क्यों श्री कृष्ण भगवान बड़े महान मनोचिकित्सक हैं, द ग्रेटेस्ट साइको एनालिस्ट, द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट, द ग्रेटेस्ट साइटिस्ट, ये हैं श्री कृष्ण भगवान। इतने बड़े साइको एनालिस्ट भी नहीं है, इतने बड़े साइकियाट्रिस्ट भी कोई नहीं मिलेंगे, इतने बड़े साइकोलॉजी के मनोचिकित्सक आपको नहीं मिलेंगे श्री कृष्ण भगवान के समान। वो पूरा नब्ज देख करके जान लेते हैं अर्जुन को कौन सा रोग लागू हुआ है, मोह रूपी रोग लागू हुआ है, तुरंत समझ गए उसकी दवाई कैसे करनी चाहिए। अभी लेक्चर दे रहा है, तुरंत एक ऐसा शॉक थेरेपी दिया, इलेक्ट्रिक शॉक तो उस समय था नहीं, ऐसा शॉक थेरेपी दिया, तुरंत अर्जुन बोलता है हाँ भगवान, अभी तक लेक्चर दे रहा था भगवान आप कुछ जानते नहीं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, तुरंत बोला हाँ भगवान आप ठीक बोल रहे हैं,
अब मैं समझ गया मेरी कायरता है, शिष्टस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न, तुरंत लाइन में आ गया, ऐसा शॉक ट्रीटमेंट दिया। ये श्री कृष्ण भगवान बड़े मनोचिकित्सक, बड़े मनोवैज्ञानिक, ये पूरी मनोविज्ञान हमारे जानते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, मनुष्य का जो मन है वो आज से 3000 साल पहले जैसा था आज वैसा ही है। ये मन का जो स्वभाव है, उस समय भी रावण थे, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी दुर्गुण उस समय के जमाने में थे, आज के जमाने में भी हैं। उस समय के जमाने में सभी सद्गुण थे, सहनशीलता, प्रेम, सेवा की भावना थी कई लोगों में, आज भी है। तो ये हम लोग जो है सभी मिक्सचर है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में सद्गुण और दुर्गुण दोनों पड़े हुए। इसी के कारण यही तो सब बाधाएं हैं जिसके कारण हम उस उच्चतम अवस्था तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये केवल उच्चतम अवस्था प्राप्त करना जो चाहते हैं उनके लिए तो यह गीता बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु दैनंदिन जीवन के व्यवहार में कैसे हम जीवन का व्यवहार करें, किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से परिवार में शांति हो, किस प्रकार से समाज में शांति हो, किस प्रकार से हमारे मन में शांति हो, किस प्रकार का व्यवहार हमें मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को आसक्ति से बचाना चाहिए, किस प्रकार से हम अपनी दुर्गुणों से बचा करके अपने आप को उस सुख और शांति के रास्ते पर, दैनंदिन जीवन के सुख शांति में, यदि हमको ईश्वर प्राप्ति नहीं भी करनी है पर सुख शांति तो हम सब चाहते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़े बड़े प्रकार के दुख से, ये सब हमको भगवद गीता में मिलते हैं। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ये उदाहरण हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसमें कि ये सभी पूरा श्लोक मानो उनके लिए एकदम उनके लिए मानो बनाया गया है श्लोक, और ये श्लोक यदि पढ़ लेते तो वो सब घटनाएं नहीं होती। जिन्होंने ये सब घटनाएं की, यदि ये श्लोक पढ़ लेते और इस पर पालन करते तो वो घटनाएं नहीं होती। उस पर हम चर्चा अगले रविवार को करने का प्रयत्न करेंगे, आज हम यहीं पर समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।